अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। तारिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही शानदार किस्म का बछड़ा जो है वो मुझे तैयार करके दिया इस दफ़ा 2023 की कुर्बानी पर। और मैंने जो है उस बछड़े को तकरीबन कुछ 10 दिन रखा और मैं बहुत ही मुतमईन हूँ आप लोगों की भलाई से। और मैं तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर अजीज़ कैटल फार्म की टीम को आप एक मौका दें कि वो आपका जानवर कुर्बानी के लिए तैयार करें। और मैं थोड़ा सा ये मैसेज देने में थोड़ा सा लेट हो गया, चूँकि मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो लिहाजा आज टाइम निकाल कर जो है वो अपना फ़ीडबैक देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो अजीज़ कैटल फार्म की तमाम टीम को सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे और दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो तरक्की अदा करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला साल जो है वो पिछले वाले साल से जो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। और फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों की अजीज़ कैटल फार्म की पूरी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दफ़ा कुर्बानी पर जो है वो मज़ा दुबाला हो गया जानवर को देखने के बाद और उसकी कुर्बानी करने के बाद। माशाल्लाह गोश्त बहुत शानदार था, तो लिहाजा एक दफ़ा जो है वो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अजीज़ कैटल फार्म की टीम को एक दफ़ा मौका दें कि वो आपका एक जानवर तैयार करके दें। मैं आप यकीन जानिए कि अगर आप कोई जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं तो वो आपको एक तो वो बिल्कुल बीसी की तरह या थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो एक जानवर आपका तैयार हो जाता है। और जानवर वो मार्केट से कहीं ज़्यादा कीमत का होता है। अगर मैं अपनी जानवर की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी मार्केट जो है वो 3.5 लाख रुपये से ऊपर थी। कल मैं जो है वो बहुत ही 100% जो है ना वो इनकी पलाई से जो है वो मुतमईन हूँ। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर जो है वो गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर अजीज़ कैटल फार्म की टीम को जो है वो मौका दें कि वो आपको एक दफ़ा कुर्बानी का जानवर तैयार करके दें। बहुत बहुत शुक्रिया।